नमस्कार अजय की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में आलू सोयाबीन की सब्जी। चलिए शुरू करते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन ले लिए हैं, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, आधी चम्मच जीरा पाउडर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ऐसे उलट लेंगे। सोयाबीन निकाल लेते हैं। आलू भी फ्राई करके निकाल लेंगे। आलू बॉईल करके रख लिए थे पहले ही हम। इसे निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे जीरा और हींग। लहसुन, प्याज, मिर्ची और टमाटर, कैप्सिकम, इन सबको डालेंगे। सोया सॉस 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच से 1/2 चम्मच। इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट पकने देंगे ढककर। धनिया पत्ता ऐड कर रहे हैं, आलू सोयाबीन भी डालकर इसे पकने देंगे। इसे ढककर पकाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसे ढककर पका लेंगे। देखिए हमारा बनकर रेडी है, हम इसे निकाल लेते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।